अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर हैदराबाद का मारूफ और मशहूर SKM91 न्यूज चैनल अपनी दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्त ने दिया दोस्त को धोखा, श्रीराम चिट फंड के लिए एश्योरिटी देना 3 अफराद को पड़ा भारी। ऐसे धोखेबाज दोस्तों से अवाम हो जाए होशियार। श्रीराम चिट फंड के लिए दोस्ती के भरोसे 3 अफराद ने एश्योरिटी दी थी, जिन्हें आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पद्म कुमार जैन ने फेक आईडी बनाकर श्रीराम चिट फंड में 3 अफराद के नाम से एश्योरिटी लेकर 10 लाख रुपए का धोखा देकर फरार हो गया, जिसके बाद श्रीराम चिट फंड के जिम्मेदारान सिक्योरिटी देने वाले 3 अफराद से वसूली कर रहे हैं, जिसके सबब ये 3 अफराद बहुत परेशान हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जाफर की ये खुसूसी रिपोर्ट में मजीद तफसीलात SKM91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। इसका नाम पदम कुमार जैन है, ये काली में रहते हैं। उन्होंने 3 साल का पहले हमारा फैमिली दोस्त है, इन्हों भी 3 साल का पहले मेरे कहने आके मैं श्रीराम चिट फंड में मैं चिट्ठिया डाला भाई, मेरे कहने ऑलरेडी 3-4 चिट्ठिया मेरे कहने है, फिर मेरा नाम पे डाले तो नहीं देते बोल के एक औरत का नाम, उसका नाम रेबाका मैडम है, उसका नाम पे चिट्ठी डाले उन्होंने, मेरा फैमिली फ्रेंड है बोल के चिट्ठी डाला उनसे, उसका नाम से चिट्ठी 25 लाख का चिट्ठी श्रीराम में 2 चिट्ठी उठा के मेरा कहने शूटी लगाया उन्होंने, मेरा फैमिली फ्रेंड है के मई लगा के और मेरा दोस्तों से एक अली साहब बोल के SI साहब से लगाया और एक टीचर लावण्या बोल के लगाया, पूरा 3 शूटी लगा के उन्होंने बिड ले लिया श्रीराम से, बिड पैसा ले लिया उन्होंने पूरा, इन्होंने उन्होंने पैसे लेके इनको दिया बोल के इन्होंने बोला ना, इन्होंने पहले बोले मैं बिना पे डाल रहा हूँ बोल के, अभी चिट्ठियाँ नहीं भर रहा रेगुलर पेमेंट हो, अभी श्रीराम वाला कोर्ट को जाके हम छुट्टी लगाए ना, मेरा घर का EP अटैचमेंट करा, हमारा घर 1 CR का घर EP अटैचमेंट करा और आबेद अली बोल के SI साहब का सैलरी 24,000 रुपीज़ लेस हो रहा अभी 2500 महीने से सैलरी में अटैचमेंट कर दिया, और लावण्या बोल के उन्होंने बहुत गरीब बच्ची है टीचर है उसका भी सैलरी 24,000 लेस हो रहा, अभी उन्होंने आपका सूरत लेके हम छुट्टी लगाए ना साहब, आपका चिट्ठी बोले ना अब पेमेंट नहीं भर रहा, उन पैसा हो रहा, घर पर प्रॉब्लम हो गया, घर सीज हो गया और वो लोगों का SI का सैलरी अटैचमेंट हुआ और लावण्या मैडम का सैलरी अटैचमेंट हुआ बोल तो उन्हें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, अब हेल्थ अच्छा नहीं है बोल रहा वो नहीं है और तकरीबन उन्होंने फाइनेंस का धंधा कर रहा, अभी चिट्ठी पेमेंट क्लोज करके हमारे NOC दिलाओ बोलो तो मैं नहीं करता हूँ, उसके ना जाके वसूल करूँ मैं वसूल करूँ बोल के बोल रहा था। क्या नाम है इनका? उसका नाम पदम कुमार जैन है, उन्हें किंगकोट में कारों का फाइनेंस धंधा करता, अच्छा वेल सेटल है उन्हों, अभी पैसा पे उन्होंने होना बोलो तो 3-4 दिन में पेमेंट करने वाला ही चाहिए उन्होंने, मगर पेमेंट नहीं कर रहा, जाके मैडम कहने वसूल करो बोल के बोल रहा, पहले मैं हम छुट्टी लग लीगल एक्शन के लिए उसका ऑलरेडी मैं 2-3 बार लीगल एक्शन कोटेश्वरा बोल के श्रीराम कहने बुलाया उन्होंने, इन्हों भी आया आके हम पैसा पूरा सेटल करके बोल के एक हफ्ते टाइम दे बोला, हमको नोटिस कोर्ट से नोटिस है भैया, कोर्ट से नोटिस है, आपके पास क्या है भाई? अकाउंट दिए थे? हाँ भाई अकाउंट थ्रू दिया श्रीराम वाला दिया, आपके पास स्लिप्स है? हाँ स्लिप्स है सर पूरा, हाँ व्हाइट कैश दिया श्रीराम चिट्स वाला, क्या व्हाइट देते हाँ, हम लोग उसको रिक्वेस्ट कराए ऑलरेडी केस रजिस्टर हुआ, ऑर्डर दिया कोर्ट ऑर्डर दिया, केस नहीं है कोर्ट वो लीगल है ना साहब, बोली सिविल कोर्ट में होता, कोर्ट में होता ऑलरेडी एक SI साहब शूटी लगा, मैं बोले तो कोर्ट से नोटिस इशू करे बाद अब आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या आपका? कोर्ट ने ऑलरेडी EP अटैचमेंट हमारा घर का अटैचमेंट हो, उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, उन्होंने घर है ना घर अटैच कर दिया, घर अटैच कर दिया मेरा, उन्होंने घर खाली कर दो बोलो बोल के घर पब्लिक में ला के घर बेच देते कहते, अभी हम लोग रोड पे आ जाता ना सर, उसका सूरत देख के हम लगाया वो पूरा 3 आदमी है, मेरा प्रतिमा रेड्डी मेरा मिसेस का श्योरिटी एक है, टोटल अभी 42 लाख बनो बोल के श्रीराम वाला नोटिस दिया, ऑलरेडी सैलरी अटैचमेंट S1 श्योरिटी 1 SI साहब का अटैचमेंट हो गया, ऑलरेडी लावण्या का अटैचमेंट हो गया, अभी मेरा घर EP में लगा दिया, उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, जाके उसके बात करो बोला छुट्टी लगा सर मेरा चिट्ठिया में बिना में डाले बोल के बोला, कोर्ट से ऑर्डर आ गया बाद आप फिर बाद में कोर्ट के नोटिस को फॉलो नहीं कर रहे तो आप फिर इसके लिए इसका श्योरिटी नहीं है ना साहब, इन्होंने बिना में चिट्ठी उठा लिया, उन्होंने दोनों एक ही है, अभी बोल रहा हूँ उन्होंने मेरे से बात नहीं कर रहा हूँ मैडम मैं उसूल करके दे तुम बोल के बोल रहा, मगर नहीं आ रहा बाहर नहीं निकल रहा, इनका कुछ अलग चक्कर था होगा, मैडम के नाम पे उठा लिए उठा लेके पैसे खा गए, मैडम का नाम क्या है? रेबाका मैडम है, मैडम का नाम श्रीराम चिट्स में, उन्होंने अभी घर खाली कर दिया पुराना घर साहब, अभी तो एस राव नगर में है बोल के इन्हों बोल रहा, मैं कुछ जाके घर को जाके मैं वसूल करके देता हूँ बोल के बोल रहा हूँ, मैडम फोन मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया पूरा, इनसे अभी बात हो तो ना अभी थोड़ा बाहर है, मैं कल आ तुम परसों उसके जाएंगे बोल के बोल रहा था, यही घर है उसका मलकपेट का है, मैंने मकान का मतलब एरिया मलकपेट है साहब, डिम मोर का पीछे मुसराम बाग मलकपेट मोर का पीछे घर है, आप कौन से PS में कंप्लेंट कर रहे?
पीएस का कंप्लेंट नहीं है, सिविल कोर्ट है ना कंप्लीट, चिटफंड एक्ट का हिसाब में वो लोग गया। मैं दो साल का पहले सेटलमेंट करो बोलो तो एक महीने टाइम दे, वो बोला इसका तबीयत ठीक नहीं है बोल के बोला था उन्होंने।